नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि कैसे मुझे लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर उनकी जो मौत का कारण बताया जा रहा है, विच इज एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, ये एक गलत रीजन हो सकता है। मैं यहाँ पे मुंबई पुलिस को कटघरे नहीं रख रही हूँ, बट एज अ आम आदमी, एज अ भारतीय और एज अ पर्सन जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे होम मिनिस्टर सीबीआई इंक्वायरी रखे ओवर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि उनकी डेथ अगर एस्फेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग की वजह से हुई है तो ये शायद गलत रीजन हो सकता है, क्योंकि उसके नेक के ऊपर जो मार्क था वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर की तरफ नहीं था, मगर सर्कल था एक अराउंड हिज नेक। देयर वाज अ ब्रूज मार्क हियर एंड दिस ब्रूज मार्क ऑब्वियसली सिग्नल्ड अ नॉट, एंड लॉट ऑफ पीपल से दैट ही वाज अ राइट हैंडेड पर्सन, मगर उनके राइट हैंड के कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं थे उनके हैंगिंग ऑब्जेक्ट पे, लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स थे। तो राइट हैंड के फिंगरप्रिंट्स कहाँ गए, कैसे एक आदमी ने लेफ्ट हैंड से अपने आप को हैंग किया, कैसे एक आदमी ने जूस पिया और गेमिंग का कोई गेम खेला, कॉल फॉर ड्यूटी समथिंग लाइक दैट, एंड देन डिसाइड टू जस्ट हैंग हिमसेल्फ। सो कहीं ना कहीं देयर इज समबडी हु इज डूइंग अ फाउल प्ले। एक वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया पे, मगर उस वीडियो के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लरनेस, मगर लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की फिंगर्स वर मूविंग आफ्टर ही वाज पुल्ड डाउन एंड समबडी कवर्ड हिज मूविंग फिंगर्स। जो समबडी था वो ऑब्वियसली मुंबई पुलिस के साथ था, और ये समबडी के साथ कोई और समबडी था जो बैठ के ये सब वीडियोस बना रहा था। हुआ तो कोई जानबूझ के ऑब्वियस सब शूट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शायद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को छुपाया जाने का प्रयास किया रहा है, उनके खून को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और उनके खून को शायद सुसाइड का रंग दिया प्रयास किया जा रहा है। बट दैट पर्सन शुड हैव डन समथिंग मोर देन जस्ट शूटिंग वीडियोस इज व्हाट आई फील, क्योंकि आपने सिर्फ वीडियो शूट किया जब उनका हाथ हिल रहा था, आपने क्यों नहीं अलार्म बेल्स रिंग किए, आपने क्यों नहीं चिल्लाया, डॉक्टर को बुलाया जब उनके हाथ मूव कर रहे थे या उनका फिंगर मूव कर रहा था। ऐसा वो वीडियो में दिख रहा है, मगर वो इमेज ब्लर है। सो आई कैन नॉट कंफर्म दैट फैक्ट, आई एम जस्ट स्टेटिंग टॉक्स दैट आर हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया में मैं अपना रहती हूं, तो सोशल मीडिया पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, उस सारी डेवलपमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि मीडिया इतना बड़ा चढ़ाकर उनकी डेथ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर रही है। आई डोंट नो व्हाई एवरीबडी वांट्स दैट सुशांत सिंह राजपूत डेथ शुड बी कंक्लूडेड एज सुसाइड। Stand the promise house. So people say that there is some weird connection of Cooper Hospital and Cooper Hospital's doctors, जो यहाँ पर डॉक्टर्स थे जिन्होंने पोस्टमार्टम की, ऑफ डिक्लेयरिंग ऑल देयर सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी पेशेंट्स हु हैव कम देयर एज डाइंग ड्यू टू सुसाइड। अब एक और बात है, संग्राम जी वॉज फॉलोड बाय सुशांत सिंह राजपूत ऑन इंस्टाग्राम एंड संग्राम जी हैड मेट सुशांत ऑल्सो। नाउ संग्राम जी वॉज राइटिंग फ्यू पोस्ट ऑन हिज इंस्टाग्राम बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी मच अफेक्टेड बाय हिज डेथ। वो दूसरी बात है कि वो इतना विजिबली अपना ग्रीफ जताते नहीं है, तो उनके पोस्ट को डिलीट किया जा रहा था एंड दिस वॉज डन ट्वाइस। वी वर टोल्ड by our team that Sangramji's posts which were posted on Sushant Singh Rajput's verified handle were being deleted. तो ये देखकर बहुत ज़्यादा weird लगा कि कोई ना कोई उनका account handle कर रहा है। अब उनकी जो PR है, the so-called best friend रोहिणी अय्यर, वो कर रही है कि कोई और कर रहा है जिनके mobile के अंदर उनका account signed है। मुंबई पुलिस needs to find out, क्योंकि अब पता चला है कि कोई लोग जितने लोगों को वो follow कर रहा था वो लोगों की संख्या भी कम हो गई है पहले से। यस, द संख्या दैट ही वाज फॉलोइंग पीपल हैज रिड्यूस्ड आफ्टर हिज डेथ। तो समबडी इज ऑब्वियसली टैम्परिंग विद हिज अकाउंट एंड ये गलत है। फेक ट्वीट्स भी मीडिया में फैलाए गए आफ्टर हिज डेथ, सेइंग दैट ही वांट्स टू कमिट सुसाइड बिकॉज ही इज डिप्रेस्ड एंड दीज आर गोइंग टू बी हिज लास्ट ट्वीट्स। ऐसे फेक ट्वीट्स मीडिया में स्प्रेड किए गए आफ्टर हिज डेथ। बाद में जब पता चला कि ये ट्वीट्स फेक
पैंडेमिक है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वो ट्वीट्स को निकाल दिया गया बाय वेरियस मीडिया हाउसेस, बट ये भी प्रयास किया गया. सो देयर इज अ प्रॉपर प्लान्ड स्ट्रेटजी टू काइंड ऑफ मर्डर हिम. जब आप वीडियो भी देखते हैं, जो वीडियो मैंने मेरे ट्विटर पे शेयर किया, वो वीडियो के अंदर मुंबई पुलिस के साथ जो भी बंदा था या मुंबई पुलिस थी, वो कह रहा था कि किसी ने इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा है. जी हाँ, व्हाट इज द मतलब ऑफ दैट? समबडी हैज हिट हिम, ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, मगर उनके जो आंख के ऊपर ब्रूजेस है या नी के ऊपर ब्रूजेस है, उनके ऊपर कुछ नहीं बताया गया इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये भी नहीं बताया गया कि क्या वो कोई मेडिसिन खा रहे थे. अब विसेरा की रिपोर्ट्स का सब वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट अब आने वाली है, मगर उसके पहले मुंबई पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि ही हैज डाइड ड्यू टू एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग. ये जो रीजन बताया है, ये रीजन कैन नॉट ओनली बी एसोसिएटेड विद हैंगिंग, इट कैन ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद स्ट्रैंगुलेशन, एंड देन समबडी मस्ट हैव पुट हिम अप ऑन द पंखा सो दैट एवरीबडी बिलीव्स इट्स अ सुसाइड. क्योंकि अगर आप वो वीडियो भी देखते हैं तो आपको पता चलता है, जो वीडियो मैंने मेरे ट्विटर पर शेयर किया है, कि एक आदमी इतने कम हाइट से लटक नहीं सकता, देयर वाज नो स्टूल, तो वो एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से कैसे अपने आप को लटका सकता है व्हेन ही इज अ राइट हैंडेड पर्सन. सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में है. सुशांत सिंह राजपूत का घर सील किया गया है कि नहीं किया गया? हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही है ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ इन्वेस्टिगेशन इज व्हाट आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, एंड आई फील that a CBI inquiry is required. So मेरी दरखास्त है, क्योंकि मैंने रूपा गांगुली का भी वीडियो देखा, जो एक एक्ट्रेस है और अब पॉलिटिशियन बनी है, कि कैसे वो कह रही है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाई जा रही है, एंड अ यंग टैलेंट का गला घोटने का एक षड्यंत्र रचा गया है. वो ऑब्वियसली मांग कर रही है अमित शाह जी से एंड नरेंद्र मोदी जी से टू गेट अ CBI inquiry, और मैं भी चाहती हूँ कि एक CBI inquiry हो. साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो दुपट्टा था, वो दुपट्टा पहले बिस्तरे पे था, फिर बाद में जब उनकी बहन आई तो वो दुपट्टा पंखे पे लटका दिया गया. या यस, देयर आर वियर्ड instances where that green dupatta ya flimsy material was first on the bed, then it was put on the pankha. So we need to understand that why such a discrepancy is there. There is some forensic expert jinhone mujhe email bhi bheja hai, unka naam hai Dr. Bhupesh Kumar Sharma, aur wo email ke andar unhone kaha hai ki Sushant Singh Rajput ki jo aankh hai looked as if he was intoxicated. Unke lips aur blue nahi hue the, unke मुंह से सलाइवा नहीं निकला था, उनके हैंड्स क्लेंच्ड नहीं थे. तो दिस इज व्हाट अ फोरेंसिक एक्सपर्ट भूपेश कुमार शर्मा हैज सेंट मी वाया ईमेल. आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू मी. साथ साथ में कूपर हॉस्पिटल का एंगल बहुत ज्यादा कोइंसिडेंशियल है, या ऑब्वियसली सजेस्ट करता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है. दिव्या भारती की भी बॉडी कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई थी, जिया खान की बॉडी भी कूपर हॉस्पिटल ले जाई गई थी. साथ साथ में ये भी एक फैक्ट है जो मैं जानना चाहती हूँ, कि किसी ने वहां पर खड़े होकर ये स्टेटमेंट बोला था कि किसी ने सुशांत सिंह राजपूत को मारा है. जी हाँ, ये वीडियो में बोला गया था या ये डब किया गया था मुझे नहीं पता, बट एज इफ यू हियर द वीडियो एज इट इज इन इट्स ट्रू फॉर्म, यू कैन हियर दैट. साथ साथ में अगर ये ऐसा हुआ है, तो जब उनका फिंगर हिल रहा था, तब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पीपल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अलार्म बेल्स कवर्ड हिज हैंड. हुएवर डिड दैट, हुएवर शॉट दैट वीडियो, दे ऑल नीड टू बी प्रोब्ड एंड दे ऑल नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. कहा गया है बाय सर्टन साइंटिफिक जर्नल्स दैट 39% ऑफ द ब्रेन डेड पेशेंट्स हैव सर्टन मूवमेंट्स इन देयर बॉडी, लाइक फिंगर मूवमेंट और टो मूवमेंट, विच इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. बट ब्रेन डेड डिक्लेयर करने से पहले वहां पर कोई डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया? व्हाई वाज अ डॉक्टर नॉट कॉल्ड व्हेन द पुलिस वाज कॉल्ड? एंड सिमिलरली, व्हाई डिड दे टेक द बॉडी टू कूपर हॉस्पिटल व्हिच वाज वेरी फार अवे फ्रॉम द हाउस? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फिंगर मूवमेंट हुई है उसको कैडावेरिक स्पैजम कहते हैं, एंड कैडावेरिक स्पैजम इज एसोसिएटेड विद वायलेंट डेथ्स अंडर एक्सट्रीमली फिजिकल सर्कमस्टांसिस विद इंटेंस इमोशन. जी हाँ, ये भी हम
हमने पढ़ा है थ्रू अ साइंटिफिक जर्नल, तो अभी मुझे समझ नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर एविडेंस टैम्परिंग हो रहा है कि जानबूझ के एक षड्यंत्र, एक नेट बनाया गया है टू किल सुशांत सिंह राजपूत एंड बुद्धिजीवी का साथ लेकर इस मर्डर को सुसाइड का रंग देने का प्रयास किया गया है। थैंक यू एवरीबडी हु इज कमिंग ऑन माई चैट एंड डोनेटिंग मनी थ्रू सुपर चैट, आई अप्रिशिएट योर जेस्चर, मगर मुंबई पुलिस यू नीड टू बी मोर आंसरेबल टू अस बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत इज समबडी जिसकी डेथ ने हम सबको हिला दिया है। आई एम नॉट डाउटिंग योर इन्वेस्टिगेशन बट यू नीड टू आंसर माई क्वेश्चन एज टू वाई हिज फिंगर वॉज मूविंग, इट इफ इट वॉज मूविंग, और किसने उनके हाथ के ऊपर कपड़ा डाला एंड वीडियो कौन शूट कर रहा था, एंड वो कपड़ा जो ग्रीन कपड़ा था वो पहले बिस्तरे पे था फिर पंखे पे कैसे गया, कौन सा आदमी जूस पीता है या वीडियो गेम खेलता है अपने डेथ से पहले, अगर वो मेडिसिन ले रहे थे तो उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में वो आया क्यों नहीं, क्यों उनकी डेथ आप कह रहे हो हैंगिंग की वजह से हुई, क्यों नहीं स्ट्रैंगुलेशन की वजह से, हैंगिंग की वजह से हुई तो ग्रेविटी की वजह से वो मार्क गले के ऊपर जाना चाहिए था, ना कि सर्क्यूलर बैंड होना चाहिए था। तो ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको देना पड़ेगा मुंबई पुलिस, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने हम सबको झिंझोड़ दिया है, एंड ऑब्वियसली आई नीड टू अंडरस्टैंड हु इज टैम्परिंग विद हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, कौन उनके अकाउंट से लोगों को अनफॉलो कर रहा है, कौन उनके अकाउंट से कमेंट्स को डिलीट कर रहा है, बिकॉज हुएवर इज डूइंग दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट षड्यंत्र ट्राइंग टू कवर अप सुशांत सिंह राजपूत मर्डर एज अ सुसाइड। सो मेरी दरखास्त है टू द प्रधानमंत्री हु ऑब्वियसली फेल्ट वेरी सैड ओवर द डेथ द ऑफ सुशांत सिंह राजपूत बिकॉज ही वॉज अ यंग टैलेंट, दैट प्लीज इंट्रोड्यूस अ सीबीआई इंक्वायरी इन टू हिज डेथ, इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ये सही नहीं है जो इनके साथ हुआ, एक 34 ईयर के आदमी का इस तरह से निधन होना इज कंप्लीटली रॉन्ग ऑन लॉट ऑफ लेवल्स एंड दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। इनफैक्ट उन्होंने तो उस आदमी के साथ काम किया जिस आदमी जिसका नाम है दिबाकर बैनर्जी, ही मिसबिहेव विद मी, सुशांत सिंह राजपूत वर्कड विद हिम व्हेन ही वर्कड विद यशराज बैनर, बट आई एम बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज फॉर मी सुशांत सिंह राजपूत डेथ हैज यू नो ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ इमोशंस एंड आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ बिहाइंड हिज डेथ, आई फील इट इज अ मर्डर एंड आई रियली वॉन्ट सीबीआई टू नाउ इन्वेस्टिगेट सुशांत सिंह राजपूत डेथ, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता रिगार्डिंग वॉट इज हैपनिंग अबाउट हिज हाउस बींग सील्ड ऑफ और वॉट इज हैपनिंग अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ अदर थिंग्स, हिज विसेरा रिपोर्ट हैज नॉट कम इन येट, and obviously why the Mumbai police took him to Cooper Hospital instead of some other nearby hospital and why the doctor was not called urgently and who covered the moving fingers if they were moving and why people were shooting videos instead of doing something like calling a doctor, that is what I am not able to understand. So these are my questions. Saath saath mein I have also read media reports ki 10 days before he passed away he made his lawyer called up the landlord of a bungalow that he rented in Pavna, ji ha, and paid him rent till August 2020. So if he paid him rent till August 2020, why would he kill himself now? So he was not planning to kill himself. Anybody who plans to kill himself is does not play a video game and does not party with his friends. And why is the CCTV footage not available? And if he was so depressed, then his family would have stayed with him. I don't think he was so depressed that his family stayed, that family felt the need to stay with him. Ye depression ki kahani can be cooked up by the likes of Riya Chakravarti and Mahesh Bhatt sahab. I don't know what are the people who are involved in this whole conspiracy. साथ साथ में why will a person who writes journals not write a suicide note? It was obviously not a last moment action for Sushant Singh Rajput, जिसने हरदम अपनी interviews में कहा है कि कुछ भी नहीं होगा तो he will go back and start working in place. उसने कोमल नाटा के साथ बोला है एक interview करते समय कि he is afraid of death. He has been a positive person in all his interviews. He said अगर मुझे काम नहीं मिला तो मैं वो करूँगा जो मैं पहले कर
करता था, आई वुड बी हैप्पी टू बी अ डांसर अगेन और वर्क इन प्लेस और डू थिएटर. सो ही वॉज नॉट समबडी हु वुड गिव अप अवर लाइफ. सो समवेयर दिस होल सुसाइड थियोरी हैज बीन वोवन, बिकॉज जब उनकी बॉडी भी रिकवर हुई तभी भी किसी ने बैकग्राउंड में बोला है कि किसी ने इसे बहुत बुरी तरह से मारा है, या ये वॉइस रियल है या ये डब है. जो भी रीजन है, वी नीड टू नो द ट्रूथ मुंबई पुलिस, एंड इफ मुंबई पुलिस इज नॉट एबल टू सॉल्व दिस, आई रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर टू गेट अ सीबीआई इंक्वायरी. And also the fact that he hung himself with a non-dominant hand is very, very weird. कोई आदमी जो right-handed है वो left hand से अपने आप को कैसे hang कर सकता है? All these questions obviously mark towards the fact that it is a conspiracy to kill Sushant Singh Rajput. और मैं चाहती हूँ कि obviously इस उनकी death के ऊपर एक CBI inquiry हो. अब आप लोग ये वीडियो को देखते हैं तो ये वीडियो को आप शेयर करके उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचाइए जो पावर में है, पोजीशन में है कि यू नो डिसीजन ले सके कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए. मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ, ना मैं गवर्नमेंट से हूँ ना मैं लॉयर हूँ, मगर एज अ पर्सन हु हैज़ बीन अफेक्टेड बाई सुशांत सिंह राजपूत डेथ, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रेज योर वॉइस सो दैट देर इज अ सीबीआई इंक्वायरी for his death. Namaste and Jai Shri Krishna to everybody.